हनुमान जी का पहला दर्शन करिए, पहला पूजन। हनुमान जी का एक रूप है पूरब मुखी हनुमान। कौन मुखी? पूर्व। पूर्वम तु वानरम। पूरब में हनुमान जी की किस रूप की पूजा होती है? जिस मंदिर में हनुमान जी का मुख पूरब की तरफ हो वो पूर्वाभिमुखी हनुमान है। वह बानर रूप में है। आहा हा, किस रूप में है? बानर रूप में है। और बानर रूप में पूर्व मुखी हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्त को हनुमान जी शत्रुओं से निजात दिलवा देते हैं। इसलिए शत्रुओं से अगर ज्यादा परेशान हो तो घबराओ मत, आप हनुमान जी की पूर्वाभिमुखी हनुमान जी की पूजा करो। अब दूसरा दर्शन कीजिए। आहा हा, पश्चिमम गारुणम वक्त्रम वक्रतुंड महाबलम। श्री हनुमत पंचमुखी हनुमत कवचम। दूसरा दर्शन क्या है हनुमान जी का? दूसरा दर्शन हनुमान जी का है पश्चिम मुखी हनुमान। इस मुख की पूजा करने से क्या होता है? पश्चिम मुखी हनुमान की पूजा करने से, देखो इनको गरुड़ हनुमान कहते हैं। क्या कहते हैं? गरुड़ हनुमान। जो पश्चिम मुखी मंदिर होता है उनको गरुड़ हनुमान कहते हैं। और भैया इनकी पूजा करने से शरीर के विष की मुक्ति मिल जाती है। किसी ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, हम आपको बता देते हैं। आपको विषाक्त विषैले जीवों ने काट लिया, सांप बीछी ने काट लिया, तो परेशान मत होइएगा। डॉक्टरी दवा के साथ साथ पश्चिम मुखी हनुमान जी का गरुड़ रूप में ध्यान करिएगा, दवा असर कर जाएगी और विष निकल जाएगा। अब जरा तीसरा दर्शन करिए हनुमान जी का। आज हम आपको ऐसे 11 दर्शन करवाएंगे, आप दिल खुश हो जाएगा आपका। अब जरा तीसरा दर्शन करिए। उत्तरम सौकरम वक्त्रम कृष्ण कृष्णम दीप्तन भोपयम। आहा, एक तीसरा दर्शन है उत्तराभिमुखी हनुमान। जिस मंदिर में या घर पर उत्तरमुखी हनुमान जी की पूजा की जाती है वहां उपासना पूर्ण मानी जाती है। उत्तर मुखी हनुमान जी की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा मान ली जाती है। इस मुख की पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐश्वर्य जानते हो ना? यश, कीर्ति, संपत्ति। अगर ये आप यश पाना चाहते हो, ऐश्वर्य आप पाना चाहते हो, तो ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए उत्तराभिमुखी हनुमान की पूजा करिए। अब जरा चौथा दर्शन करिए। अस्येव दक्षिणम वक्त्रम नारसिंहम महाद्भुतम। ये बहुत खास है हनुमान जी। इन हनुमान जी का नाम है दक्षिण मुखी हनुमान। दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से क्या होता है? दक्षिण मुखी हनुमान को कहते हैं नृसिंह हनुमान। नरसिंह रूप में रहते हैं आप। और जो दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करता है उसके ऊपर और उसके घर में कभी भी प्रेत बाधा नहीं टिकती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे महावीर जब नाम अजिए हा।
ही हनुमान की पूजा करने वाले भक्तों को प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाती है। और एक बात और सुन लीजिए, अपने घर में उत्तर की दीवाल पर हनुमान जी का चित्र लगा दीजिए, उत्तर दिशा की दीवाल पर हनुमान जी का चित्र लगा दीजिए, उस दीवाल के चित्र का मुख हो जाएगा दक्षिण मुखी और फिर आपके घर में भी दक्षिण मुखी हनुमान जी बन जाएंगे, तो प्रेत बाधा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब जरा पांचवा दर्शन करिए, आहाहा, उधर्वम हयाननम घोरे दानवता करम परम। ये हनुमान जी का बड़ा विचित्र दर्शन है। हनुमान जी इस पांचवें दर्शन में ऊपर की तरफ देख रहे, उधर्वम ऊपर की तरफ देख रहे, हा 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 ऊपर की तरफ देख ही नहीं रहे, इनका तो मुख ही बदल गया। कौन सा मुख हो गया? घोड़े का मुख बन गया है। हाई ग्रीव नाम का जो दैत्य था उसका संहार करने के लिए लोग कहते हैं हनुमान जी ने ये रूप धारण किया, इसलिए हनुमान जी का पांचवा दर्शन है घोड़े के समान मुख वाला ऊपर की तरफ, ये उधर्व भगवान हनुमान जी का दर्शन हो गया है। अब छठवां दर्शन सुनिए, आहाहा, छठवां दर्शन बड़ा अद्भुत है। पंचमुखी हनुमान, वीर बजरंग बली की जय। हनुमान जी के पांच मुख हैं, मुष्टिम कौमोदिकम वृक्षम धारयन्तम कमंडलम। आहा, पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन बड़ा अद्भुत है। जो भक्त हनुमान जी की पंचमुख की पूजा करता है उसका जय जयकार हो जाता है और बेड़ा पार हो जाता है, उसे कोई नहीं फिर सता सकता। अच्छा, पांच मुख धारण कब किए हनुमान जी ने? पाताल में अहिरावण के यहां पर जो पांच दीपक अहिरावण जला रहा था और उसी में उसकी मृत्यु का रहस्य छिपा था, जो भी एक बार में पांचों दीपकों को बुझाएगा वही अहिरावण का वध करवा पाएगा। हनुमान जी ने पाताल में जाकर इस रहस्य को जानकर एक साथ पांच मुख बनाकर प्रकट होकर पांचों दीपकों को बुझाकर अहिरावण का वध करवाया है। यह हनुमान जी का पंचमुखी दर्शन है। पंचमुखी दर्शन करने से चारों, पंचमुखी हनुमान की पूजा करने से चारों दिशाओं में यश की जय जयकार गूंजती है और अंत में परम धाम रघुनाथ जी का प्राप्त होता है। आहाहा, अब जरा सातवां दर्शन सुनिए। सातवां दर्शन है एकादश मुखी हनुमान। कितने? पांच नहीं, अब पूरे पूरे ग्यारह मुखी हनुमान। हनुमान जी एकादश मुखी कब बने? कालकार नामक राक्षस का वध करने हेतु भगवान राम की आज्ञा से हनुमान जी ने 11 मुख वाला रूप धारण किया और हनुमान जी का दर्शन हो गया एकादश मुखी हनुमान। एकादश मुखी हनुमान की जो पूजा करता है उसे समस्त देवी देवताओं को पूजन करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, और देवता चित्त न धरई, और देवता चित्त न धरई, भैया हनुमत से सर्व सुख करई, सीताराम
एकादश ग्यारह मुखी हनुमान की जो पूजा करता है उसे समस्त देवी देवताओं के पूजन करने का प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। अब जरा आठवां दर्शन और सुन लीजिए ग्यारह में। आठवां दर्शन है वीर हनुमान। कौन हनुमान? बोलो 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 बोलो, वीर हनुमान। देखो रामायण में तीन वीर हैं, लक्ष्मण जी हैं वीर, हनुमान जी हैं महावीर और राम जी हैं रघुवीर। आहा, तो हनुमान जी का ये दर्शन हम कौन सा करवा रहे? आठवां दर्शन वीर हनुमान। अच्छा वीर हनुमान ये कब बन गए हैं भैया? जब लंका जाने वाले थे तो जामवंत जी ने थोड़ा सा सुर्खी लगा दी। ए हनुमान जी आंखें बंद करके बैठे हो, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनते ही भया दर्शन करिएगा। वीर रूप में दर्शन करने से साधक को साहस की प्राप्ति होती है। इस रूप की पूजा करने से क्या मिलता है? साहस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं साहस को? अब जो भी हो समझ जाइएगा, अपनी अंग्रेजी बहुत पीछे लेवल की है, आप अपने हिसाब से घुड़ा भाग लगाइएगा। बोलो सीताराम। अब जरा नौमा दर्शन कर लीजिए। आहाहा, नौमा दर्शन बड़ा प्यारा है। नौमा दर्शन भक्त हनुमान। कौन सा दर्शन है? भक्त हनुमान। अच्छा ये भक्त हनुमान कौन से? भक्त हनुमान हाथ में करताल लिए, हनुमान जी करताल जानते ना, करताल हाथ में करताल लिए हैं और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा ये भक्त हनुमान कब बने? जब राम जी ने लंका में रावण को मार दिया, वापस आए अयोध्या, अयोध्या के राजा बन गए। और राजा बने तो पीछे पीछे घूमे, जानकी माता में बहुत हैरान, अब पीछे ही नहीं छोड़ रहे यार। तो माता जी ने एक उपाय किया, बोले क्या किया जाए? माता जानकी जी ने कहा, सुनो हनुमान पीछे पीछे मत फिरो, तुम राम जी के पीछे ही पीछे जब देखो तब पाछे घूमते रहे, कोई काम आम और करो। हनुमान जी बोले, माता जी हमें तो केवल उनके चरणों की सेवा मिली। जानकी माता ने कहा, केवल चरणों की सेवा नहीं, एक सेवा और करो। क्या? बाहर बैठो, प्रभु को जमुहाई आए सो चुटकी बजाओ। जमुहाई, मुंह की जमुहाई जब राम जी को आवे सो चुटकी बजाओ। हनुमान जी बोले, जो आज्ञा माता। अब मना तो कर नहीं सकते, माता है। अब राम जी बैठे राम दरबार में, हनुमान जी बैठे, हनुमान जी को तो सेवा मिली, जमुहाई आए सो चुटकी बजाओ। अब जमुहाई कौन फिक्स टाइम पे है कि भाई घंटी बजा के आएगी, कभी भी आ सकती। हनुमान जी मुंह देखें कि जमुहाई आ तो नहीं रह गया। राम जी थोड़ा इस तरफ देखें तो हनुमान जी कूद के उस तरफ जावे। अच्छा आप विचार करो, हनुमान जी देखें मुंह तरफ कूदे उस तरफ, जितने नेचे बैठे उनकी का दुर्दशा। हनुमान जी ये देखें ही ना कि बैठो कौन है,
हनुमान जी तो कूदे पूरी सभा अस्त व्यस्त। राम जी बोले क्या हुआ? हनुमान जी बोले कुछ नहीं, सेवा मिली। आहा, जब राम जी सोने के लिए जाने लगे तो पीछे पीछे हनुमान जी जाने लगे। माता जी बोली कहां जा रहे? हनुमान जी बोले क्या पता जमुहाई आ जाए, और सोते समय तो ज्यादा आती, और रात को तो और ज्यादा। माता बोली मैं देखो भाई एक काम करो, तुम बाहर चुटकी बजाओ। अब कुछ कह तो सकते नहीं, किंतु परंतु तो कह नहीं सकते। हनुमान जी बाहर बैठ गए। हनुमान जी ने सोचा बाहर बैठे बैठे क्या करेंगे, बाहर और बाहर बैठते हैं। अब हनुमान जी ने सोचा हे भगवान, माता जी ने कह दिया जमुहाई आए तो चुटकी बजाना, अब दिख तो रही नहीं है प्रभु, क्या किया जाए। हनुमान जी ने दोनों हाथों की चुटकी ली और मन में विचार किया कि एक काम करें, हम चुटकी बजाते ही रहेंगे, जब जमुहाई आएगी सो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। क्योंकि हनुमान जी ज्ञानी नामा गृगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में बहुत श्रेष्ठ है, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि में बलवान है। हनुमान जी ने दोनों हाथों की चुटकी ली और ऊपर बैठ गए, कहां महल के ऊपर, और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, हनुमान जी लगे चुटकी बजाने। उधर भीतर राम जी ने सोचा कि हमारा भक्त बजा रहा है चुटकी और हम जमुहाई ले नहीं रहे, सोई राम जी भी बड़े करामाती, हनुमान जी बजाए चुटकी और भगवान मुंह बा के बैठ गया। अच्छा एक मिनट हो गई, दो मिनट हो गई, जानकी जी ने देखी 10 मिनट हो गई, हे भगवान पैरालाइसिस अटैक तो नहीं आ गया, कोई रोग तो नहीं हो गया। जानकी माता ने सबको बुलाया, इधर आओ, प्रभु को रोग हो गया। सब लोग देखें भगवान मुंह बाए बैठे। अब सब सोचे हे भगवान क्या हो गया। इतने में गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा सब लोग तो हैं पर हनुमान जी कहाँ हैं। किसी ने कहा ढूंढो, हनुमान जी मिले ऊपर महल पे। किसी ने कहा तुम्हें पता है प्रभु को रोग हो गया है, लकवा लग गया। हनुमान जी बोले हमारे और प्रभु को। हनुमान जी भागे भागे आए और देखा राम जी मुंह बाए बैठे हैं, तो जो चुटकी थी उन्होंने कहा ये तो जमुहाई नहीं है कुछ और है, सो चुटकी बंद करी और जहां चुटकी बंद भई सो भगवान का मुंह बंद हो गया। जानकी माता ने कहा इन्हें कोई रोग नहीं, इन्हें हनुमान जी अलग ही। लोगों को तो भूत प्रीत लगते हैं लेकिन राम जी को हनुमान जी लगे हुए हैं। लेकिन एक बात बोले, आहा भैया, भक्त हनुमान के दर्शन, ए हा सुमर पावन सुत पावन नाम, अपने बस करी रात राम जी को बस में कर लिया। यही हनुमान जी का 9वां दर्शन है भक्त हनुमान। अब जरा 10वां दर्शन कीजिए, बहुत आनंद आएगा आपको आज कथा सुनकर। हम आपको 11 प्रकार से दर्शन करवाएंगे। 10वां दर्शन हनुमान जी का कौन है? सूर्यमुखी हनुमान। कौन मुखी?
सूर्यमुखी हनुमान को गुरुमुखी हनुमान भी कहते हैं। सूर्यमुखी हनुमान, पूरब मुखी हनुमान को भी सूर्यमुखी हनुमान कहते हैं। लेकिन ये दर्शन कब हुआ? जब गुरु बनाने के लिए सूर्य भगवान के पास गए, दो बार गए हनुमान जी सूर्य देवता के पास। एक बार बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोके भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहु सो जाते न तार। देवन यान करी विनती तब, देवन यान करी विनती, जब छाण दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रास कपि से बसे गिरी, हो बाल की त्रास कपि से बसे गिरी, जात महाप्रभु को नहीं। एक एक लाइन बड़ी प्यारी, कौन सो संकट मोरे गरीब सोचो तुमसे नहीं जाते है, कौन सो संकट मोरे गरीब। तो ये सूर्यमुखी हनुमान के दर्शन। बाले समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोके भयो अंधियारो। बाल समय में ही सूर्य भगवान को नाश्ता में खा गए। हनुमान जी को लगी भूख, लागी भूखा। अच्छा, हनुमान जी को भूख नहीं लगा, भूखा लगा। हम लोगों को लगती है भूख, हनुमान जी को लगती भूखा। हम नहीं कह रहे, आप सुंदरकांड कभी पढ़िएगा तो सुंदरकांड में गोस्वामी जी कह रहे, कायम फले प्रभु लागी भूखा। तो हम लोगों को लगती भूख, हनुमान जी को लगत भूखा। अच्छा, इन्हें भूखा क्यों लगा? देखो भाई, जो आदमी जिस लेवल का काम करेगा वैसे ही तो खाएगा। हमारे जैसे डेढ़ हड्डी के आदमी दो रोटी में ही टन है। और कई आदमी 40-50 रोटी खाने के बाद कहते हैं, अबे तो नाश्ता हुआ है। नहीं, मुंबई वाले ऐसे नहीं है, अंबरनाथ वाले नहीं है, तो ये श्रीलंका वालों की बात बता रहे हैं। लेकिन होते हैं ऐसे लोग। तो हनुमान जी, हम लोगों को लगती भूख, हनुमान जी को लगी भूखा, लगती है भूखा। बोले क्यों? हम लोग करते हैं साधारण काम, हनुमान जी करते हैं राम काम। हनुमान जी कौन से बंदर है? काम काज के बंदर नहीं है, हनुमान जी तो राम काज के बंदर है। एक बात हो, हमारे हनुमान जी केवल एक ऐसे देवता हैं जो थोक का काम करते, बाकी देवता तो फुटकर में बिसेरा, फुटकर फुटकर। हनुमान जी हमारे फुटकर काम नहीं करते, हनुमान जी थोक का काम करते। उनसे कहा कि जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, वे सीधे पहाड़ उठा ले आए, फुटकर में फंसे। हनुमान जी थोक का काम करते हैं। किसी ने कहा कि जाओ बूटी ले आओ, वे पहाड़ उठा ले आए। किसी ने कहा कि डॉक्टर को उठा ले आओ, वो पूरी डिस्पेंसरी उठा ले आए। डॉक्टर बार क्यों, पूरा अस्पताल चल ले दो, सुसैन वैद का पूरा घर ही उठा के ले आए। किसी ने कहा कि मकान क्यों ले आए, बोले क्या ठिकाना, बाद में कहे कि डिस्पेंसरी में हमारा आला रह गया है। बाद में कहेगा आला रह गया, उसी तो मकान ही ले चलो। अब फिर कह देंगे कि निकाल लो जो को चाहिए, यही है मकान है। धन है वीर बजरंगबली, बजरंगबली कहो थोड़ा। उनसे कहा, कहा लंका जाओ, सीत है देख कहूं सुधी आई, ज्यादा कुछ नहीं करना। जामवंत जी से हनुमान जी ने पूछा, तुम बताओ करना क्या है, आना यहां त्रिकूट उपारी। तुम कहो तो पूरी लंका उठा ले आए, पर्वत उठा ले आए, रावण को उठा ले आए, जानकी जी यहां ले आए। जामवंत जी बोले, बेट बेट इंतजार, रुको रुको, कूल डाउन, इतना कुछ नहीं करना है। बोले फिर, बोले जानकी माता की खबर ले आ, बस केवल खबर। जामवंत जी को पता था कि अगर हम कहेंगे कि परिचय ले आना, परिचय दे आना, पूरी खबर ले आना, रावण को समझाया आना, इतना कहेंगे तो जी रावण को मार के ही आएंगे। इसीलिए इन्होंने, जामवंत जी बड़े चतुर हैं, हमेशा बूढ़े आदमी का ज्ञान बड़ा काम का होता है। जामवंत जी बूढ़े हैं, उन्होंने क्या कहा,
केवल जानकी माता की खबर लेकर आना और धन्य है वीर बजरंग बली। कहा था इतना काम और करे आए इतना, खबर नहीं ले आया लंका और जलाया है। इसलिए हम लोगों के काम फुटकर हैं, हनुमान जी के काम थोक के हैं। इसलिए सबको लगती है भूख, हनुमान जी को लगती है भूखा। अब बताओ किसी को बचपन में भूख लगी हो सीधो सूर खा जाए निगल जाए, साधारण दौड़ी है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन लोग भयो अंधियारो, ताही सुत्रास भयो जग को यह संकट काहू सुन जाते न का। तो सूरमुखी दसवां दर्शन जो हम आपको करवा रहे हैं यह है सूरमुखी हनुमान। सूरमुखी हनुमान के दर्शन करने से याददाश्त बढ़ती है। इसलिए किसी बच्चों को याददाश्त में दिक्कत हो तो उनको सूरमुखी हनुमान की पूजा करवाओ। ऐसे हनुमान जी की पूजा करवाने से बच्चों की याददाश्त तेज हो जाती है। लेकिन याददाश्त उसी की तेज होगी जिसके दिमाग होगा। जिसके दिमाग ही नहीं होगा उसकी क्या याददाश्त तेज होगी। हमने आज दिन में बताया था ना, एक व्यक्ति ने अर्जी लगाई, बोले महाराज लड़का हो जाए। हमने कहा हो जाए आशीर्वाद। अब 20-25 पेशी की बात मिले, हमने कहा क्या क्या हुआ? अरे बोले ठन ठन गोपाला हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने कहा क्यों? बोले हुआ ही नहीं कुछ। हमने कहा अर्जी क्या बांधी थी? बोले लड़का हो जाए। हमने कहा लड़का क्यों नहीं हुआ? बोले आप बता। हमने जब अपना वाईफाई चालू किया, कनेक्शन में लाया, हमने कहा ठटरी के बारे तुम्हारी तो शादी तक नहीं भाई। बोले हमने तो थोक में अर्जी लगा दी थी कि लड़का की बांधो सो शादी अपने आप हो जाए। बताओ बताओ, ऐसे भी लोग हैं इस धरती पे, ऐसे भी लोग हैं। खैर ये मत पूछना कि वो कहां का आदमी था, नहीं तो हम अमरनाथ का ही बताएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो साधु जी सीताराम। तो सूरमुखी हनुमान का दसवां दर्शन, अब अंतिम दर्शन 11वां दर्शन और करिए। आहा, 11वां दर्शन है हनुमान जी का व्यास हनुमान। कौन हनुमान? देखो हम आपको बताएं, 7 लोग चिरंजीवी हैं, आज भी पृथ्वी पर हैं। अस्तोत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। 7 लोग चिरंजीवी हैं, आज भी पृथ्वी पर डोलते हैं। अस्तोत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। तो 11वां दर्शन व्यास हनुमान। अच्छा हनुमान जी व्यास जी कब बने, कथा वक्ता कब बने? लंका में, लंका में वो कथा, लंका में कौन श्रोता मिल गया? लंका में कहीं भागवत भाई है? अरे बोले भाई है, राम कथा हुई। कब? अभी नहीं, त्रेता युग में हनुमान जी ने खुद की। कहां? जब माता जानकी जी अशोक वाटिका के नीचे रोती हुई बैठी है, आंखों में आंसू भर करके कहती गगनी नावत एकौ तारा देखी अत प्रगट गगन अंगारा। उसी समय हमारे वीर बजरंगबली कथा वक्ता बन गए और अशोक वृक्ष के ऊपर। देखो वक्ता कौन? जो वक्ता होता है ऊपर, श्रोता होता है नीचे। लेकिन आज तो हद हो गई, यहां देखो छत के ऊपर श्रोता ऊपर टंगे, वक्ता बेचारों नीचे। ये देखो आदमी छत पे भी खड़े। खैर ठीक है, जगह नहीं है इसलिए तुम लोग छत पर खड़े हो, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन वक्ता नीचे है, श्रोता ऊपर है। जय हो तुम्हारी, हम समझ गए तुम अंबरनाथ के आओ, हम तुम्हें भूलेंगे नहीं कभी। वक्ता होता है ऊपर, श्रोता होता है कहां? बोलो नीचे। राम कथा में जब हनुमान जी व्यास बने तो वो बैठे अशोक पेड़ के ऊपर, जानकी माता बैठी नीचे। और हनुमान जी महाराज ने राम चंद्र गुण वर्णे
सुने तही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी राम कथा सुनाने लगे, माता जानकी जी का दुख भाग गया। माता जानकी जी बोली, वाह ये कौन है, कथा तो सुनाई दे रही पर कथा वक्ता नहीं दिखाई दे रहा, बताओ ये कौन कथा कह रहा है, इतनी सुंदर कथा। हनुमान जी बोले, माता कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो पूरा बंदर है। केवल कथा सुंदर है, कहने वाला बंदर है। अच्छा देखो एक बात बहुत अच्छी याद है, पहले के जमाने में कथा वक्ता छिपते थे, भगवान छपते थे। आज के जमाने में कथा व्यास छपते हैं, भगवान छिपते हैं। हैं हनुमान जी, तरु पल्लव महु रहा लुकाए, पेड़ों के बीच में अशोक वाटिका के पत्तों में, तरु पल्लव महु रहा लुकाए, करे विचार करो का भाई, करे विचार करो का भाई। हनुमान जी पीढ़ी पे बैठे बैठे सोच रहे, यहां पर दर्शन है व्यास हनुमान। कौन हनुमान, बोलो बोलो बोलो, व्यास हनुमान। एक बात हो, श्रोता को वक्ता पर अथाह निष्ठा रखनी चाहिए। डॉक्टर पर भरोसा नहीं करोगे रोग ठीक नहीं होगा, कथा वक्ता पर भरोसा नहीं करोगे तो कथा काम नहीं करेगी। लेकिन एक 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 बात और प्रार्थना है, कभी भी हो वक्ता को मत पकड़ो, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ो। फिर से सुनो, वक्ता को मत पकड़ो, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ो। वक्ता को पकड़ोगे तो बिखर जाओगे, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ोगे तो निखर जाओगे। तो किसे पकड़ो, वक्तव्य को। लेकिन आजकल तो श्रोता भी बहुत ऊंचे लेवल के होते हैं।